स्वागत है आप सभी का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। सारे विद्यार्थियों, तीसरे पार्ट में विद्युत विभव से संबंधित कुछ सवाल हम कर लेते हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल जो है वो कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास, रूट दो मीटर भुजा के वर्ग के कोणों पर, रूट दो मीटर भुजा का कोई वर्ग है उसके कोणों पर, किनारों पर 100 माइक्रोकूलम माइनस के 50 माइक्रोकूलम प्लस के 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 60 माइक्रोकूलम के चार आवेश क्रम से रख दे तो वर्ग के केंद्र पर विभव हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या क्या आपको दिया है। दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको, वर्ग की भुजा दे रखी है रूट दो मीटर, ठीक है। आवेश दे रखा है वर्ग के चारों कोनों पर चार आवेश है। पहला Q1 मान लेते हैं, Q1 है 100 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख देंगे 100 × 10⁻⁶ कूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर दिया। Q2 आपको दे रखा है माइनस के 50 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख देंगे माइनस के 50 × 10⁻⁶ कूलम। तीसरा जो आवेश है तीसरे कोड़े का, वो हम मान लेते हैं कि 20 माइक्रोकूलम है और इसकी वैल्यू जाएगी 20 × 10⁻⁶ कूलम। और जो चौथा और लास्ट आवेश है वो है माइनस का 60 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस के 60 × 10⁻⁶। चार आवेश दे रखे हैं और चारों आवेश वर्ग के चारों किनारों पर रखे हैं और वर्ग की भुजा आपको दे रखी है। तो पहले चित्र से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई वर्ग है आपका, ठीक है, वर्ग जो है इसकी भुजा आपको दे रखी है रूट दो मीटर, तो ये भी रूट दो होगी, ये भी रूट दो और ये भी रूट दो। पहले ये Q1 मान लेते हैं आवेश, Q1 है आपके पास 100, ये Q1 मान लेते हैं आवेश, ये Q2 मान लेते हैं, ये Q3 है और ये Q4 है। चार आवेश इसके किनारों पर रखे हैं, किनारों से केंद्र पर आपको विभव ज्ञात करना है, ठीक है, चारों कोणों से। अब एक बात यहां समझने की है कि विभव का जनरल फॉर्मूला होता है V = KQ/R। इसका मतलब एक तो हमें आवेश चाहिए, K का मान तो हमें पता है 9 × 10⁻³, और एक हमें चाहिए त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या मतलब दूरी। तो हम देखें तो इस आवेश से हमें यह दूरी चाहिए केंद्र की, इस आवेश से भी दूरी चाहिए ये वाली, इस आवेश से भी ये दूरी चाहिए और इस आवेश से भी ये दूरी, क्लियर। इसका मतलब यहां पे ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की कैलकुलेट तभी हो जब हम यहां से लेकर यहां तक की कैलकुलेट कर ले। और ये आपको अगर देखें तो इस तरह से नहीं लग रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, अगर अपन देखें तो एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से समकोण त्रिभुज में ये करण भुजा हो गई और ये आपके आधार और ये आपकी लंब भुजा। तो इससे करण याद कर सकते हैं, क्या सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय में से, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है आपके पास रूट दो का स्क्वायर प्लस लंब है रूट दो का स्क्वायर। रूट दो का स्क्वायर पता है क्या, रूट दो का स्क्वायर 2 और रूट दो का स्क्वायर 2 आ गए 4। करण आपके पास करण स्क्वायर आ गया 4। करण कितना आ जाएगा, करण यहां से आ जाएगा आपके पास, ये विकर्ण जो है वो करण आपके पास आ जाएगा 2। तो करण आ गया आपके पास 2, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2 आ गई। तो ये दूरी इसकी आधी होगी क्योंकि वर्ग के चारों जो भुजाएं वो बराबर होती है, तो चारों कोणों केंद्र से समान दूरी पर होते चारों कोण, तो ये 2 है, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, क्लियर। यहां से यह दूरी मान लेते हैं R1 है, यह दूरी R2, यह दूरी R3, यह दूरी R4। लेकिन यहां पे R1, R2 और R3 और R4 ये चारों बराबर होंगी, पर ये कितनी होंगी, जो भी आपकी ये विकर्ण करण है इसका आधा, तो करण 2 है, अरे नहीं क्या, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, अरे 2 का आधा 1, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो कहीं गलती तो नहीं कर ली,
रूट दो का स्क्वायर, रूट दो का स्क्वायर, दो प्लस दो चार, चार का अंडर रूट आ जाएगा दो, ठीक है। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक दो, और इसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा एक। क्लियर? देखो एक ऐसा ही सवाल और है, इसमें तो ये वैल्यू दे रखी है। एक सवाल है कि कोई भुजा ए दे रखी हो, इसी में एक सवाल और बता देता हूं। अगर भुजा ए दे रखी हो, यानी कि यहां पर वैल्यू दे रखी है, अगर भुजा ए हो तो इसको सोल्व करेंगे तो रूट दो की जगह आ जाएगा ए, ठीक है, और यहां भी ए, तो ए स्क्वायर, यहां से भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा टू ए स्क्वायर, ठीक है। और टू ए स्क्वायर को अंडर रूट में लेंगे तो आ जाएगा रूट टू इंटू ए, और आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आधा यहां से करेंगे तो आ जाएगा रूट टू इंटू ए बाई टू, और टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो आ जाएगा ए बाई रूट टू। अगर यहां पर भुजा ए दे रखी हो तो इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे, सेम प्रोसेस है, सेम कैलकुलेशन, तो यहां से ए बाई रूट टू आ जाएगा। अब ए की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो ए की वैल्यू रख दो, रूट टू रखते ही क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू रूट टू रखेंगे तो रूट टू बाई रूट टू वन आएगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा तो विभव कैलकुलेट कर लेते हैं, तो भाई टोटल विभव v बराबर हो गया, पहले कोणे पर विभव माना v1 है, प्लस दूसरे कोणे पर v2, तीसरे पे v3 और चौथे पे v4, तो कुल विभव आ जाएगा चारों कोणों पर, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, चारों कोणों का विभव का योग। अच्छा सबकी वैल्यू रख दो तो v बराबर v1 क्या आ जाएगा k q1, आप और दूरी तो सबकी सेम ही है, सेम है तो जो भी वैल्यू एक आ रही थी इसकी वैल्यू तो वन, ठीक है, प्लस के क्यू टू अपॉन वन, के क्यू थ्री अपॉन वन एंड प्लस के क्यू फोर वन। वैल्यू यहाँ क्या कॉमन है, के कॉमन है, और क्यू वन कितना है बेटा, क्यू वन है, यहां से देखो अगर देखें तो ये हंड्रेड टेन टू पावर सिक्स, नेगेटिव सिक्स को कॉमन ले ले, नेगेटिव फिफ्टी क्यू टू, फिर प्लस ट्वेंटी नेगेटिव सिक्सटी और मल्टीप्लाई टेन टू पावर नेगेटिव सिक्स कॉमन। देखिए अब सिंपल ऐड करना है, सौ और बीस एक सौ बीस, और पचास और साठ एक सौ दस, तो दस आ गए ना, तो वी इज इक्वल टू के मान क्या है, नौ गुणा दस घात नौ गुणा, यहां से कितना बचेगा, यहां से बचेगा दस गुणा दस घात माइनस छह, हिसाब कर लो इसका, हिसाब करेंगे दस की घात कितनी रहेगी, दस में से छह गए चार, तो वी इज इक्वल टू जाएगा नौ गुणा दस की घात प्लस के चार वोल्ट। तो जो आपका वर्ग है इसके केंद्र पर जो विभव आएगा वो आ जाएगा नौ गुणा दस की घात चार। क्लियर है, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या, सिंपल कैलकुलेशन है, या ए दे रखा है, एल दे रखा, कुछ भी दे रखा हो, ये करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। यहां दिशा की बात होगी नहीं क्योंकि विभव कैसी राशि, अदिश राशि है, अगर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करते फिर दिशा आ जाती बेटा, ठीक है ना, फिर दिशा से कैलकुलेट होता, लेकिन यहाँ विभव है इसलिए सिंपल कैलकुलेशन हमने इसको सोल्व कर दिया। एक और एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसको देख लेते हैं बराबर, ये क्वेश्चन भी देख लो, देखो ये अलग टाइप का एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन है तीन गुणा दस की घात माइनस आठ और माइनस का दो गुणा दस की घात माइनस आठ कूलम के दो आवेश परस्पर पंद्रह सेंटीमीटर दूरी पर है, तो दो आवेश है, मान लीजिए दो आवेश है, ये Q1 है और Q1 आपको दे रखा है तीन गुणा दस की घात माइनस के आठ, और ये दूसरा Q2 है, यह आपको दे रखा है माइनस का दो गुणा दस की घात माइनस आठ कूलम, दोनों ही कूलम में है, ठीक है। हाँ जी, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं दोनों, ये पंद्रह सेंटीमीटर दूरी पर रखे, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल समझिए, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई दोनों आवेशों को, इस पर कहीं ना कहीं एक इस रेखा पर कहीं ना कहीं वह बिंदु है जहां पर विद्युत विभव शून्य है। शून्य से क्लियर हो रहा है कि यहाँ भी प्लस का, यहाँ पे प्लस का आवेश या माइनस का है, तो प्लस का और माइनस का आवेश कहीं ना कहीं एक दूसरे को निरस्त करेगा किसी न किसी रेखा पर। माना चलो ऐसे सवालों को मान लेते हैं कि माना यहाँ पर कोई बिंदु है जो इस आवेश से
कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। मान लिया कि यहां पे है ये पी बिंदु जहां पर विभव शून्य हो रहा है, मान लिया ठीक है, तो इस आवेश से आर दूरी पर है ठीक है, तो इस आवेश से कितनी दूरी पर होगा भाई, क्लियर है। टोटल दूरी 15 सेंटीमीटर है, ये दूरी आर है, तो 15 में से अगर आर को सब्सट्रैक्ट कर दे, घटा दे 15 में से आर को, तो ये दूरी आ जाएगी नहीं, अरे इस आवेश से दूरी आ गई नहीं, 15 माइनस आर कर देंगे ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना कि यह बिंदु पर, इस बिंदु पर कुल विभव कितना होता है, इस बिंदु पर कुल विभव दोनों आवेशों के कारण विभव, पहले आवेश कारण वाले V1 है और दूसरे कारण V2 है, कितना होना चाहिए, जीरो। तो कुल विभव बता रहा है कि जीरो होना चाहिए, तो हमने P बिंदु पर जीरो मान रखा है, जीरो मान रखा है, तो पहले आवेश के कारण जो विभव है और दूसरे कारण, दोनों का योग किसके बराबर होगा, जीरो के। कहां, P बिंदु पर, दोनों के मान रख दो भाई, इसका मतलब V1 प्लस V2 बराबर जीरो है भाई। V1 लिख दो K और Q का मान 3 × 10⁻¹⁸ और R दूरी कितनी रही है, ये दूरी R है भाई ठीक है, और दूसरा है K भैया उधर जाएगा तो बराबर आ जाएगा ना, तो इसको लिख देते K माइनस का 2 × 10⁻¹⁸ और R दूरी कितनी है 15 − 8 ठीक है, कैसे क्या कट गया, 10⁻¹⁸ से 10⁻¹⁸ कट गया, यहां से वज्र गुणा कर दो, तो यहां से ये 15 − 8 3 से गुणा होगा, 15 × 3 = 45 माइनस का 3R बराबर, ये R इधर से गुणा होगा तो माइनस का 2R, इसको उधर ले जाओ, नहीं गलती कर दी क्या, अच्छा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना भैया, इधर V1 प्लस V2 0 सो V1 माइनस का V2 तो माइनस का V2 बनेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, साथ में प्लस हो जाएगा ठीक है, इसको तो ले जाओ क्या जाएगा 5R 3R इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3 और 2 5R = 45 सो R = 45/5 काटो भाई 5 × 9 = 45 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, इसका मतलब R बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर वह दूरी है इस आवेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर यह P बिंदु होगा जहां पर विभव शून्य होगा। अच्छा इस आवेश से ये 9 सेंटीमीटर दूरी पर है P बिंदु, तो इस आवेश से कितना हो 15 − 9 तो वही इस आवेश से दूरी कितनी आ जाएगी Q2 आवेश से दूरी, Q2 आवेश से दूरी 15 − 9 15 − 9 गए इधर 9 से 15 इससे 6 सेंटीमीटर दूरी पर रहेगा ये बिंदु और उससे कितनी दूरी पर रहेगा 9 सेंटीमीटर दूरी, अरे क्लियर है क्या, तो ऐसे सवालों को सोल्व इस तरह से करते हैं ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, जो हमारा वीडियो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, थैंक यू क्लास।